शिल्पी राज को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने शुरू से शिल्पी राज को बाबा जानते हैं। अमित बाबा स्वागत है बाबा गंगा न्यूज में आपका। चलिए भैया, गंगा न्यूज के तमाम दर्शक दीर्घा के गोर छुके गोर लगते नहीं, आपके भी प्रणाम करते हैं, स्वागत बा आपके। अच्छा, अभी तो एक शिल्पी का मैटर चल रहा है, आप जानते हैं शिल्पी को? शिल्पी को जो अभी के लोग जानते हैं वो मतलब हमको नहीं लग रहा है कि नहीं जानते हैं ठीक से। शिल्पी अभी जब पटना आई तो बहुत सारी कथाएं लोगों के मतलब लोगों ने अपना गढ़ा या किसी से सुना और बोल रहे हैं, लेकिन शिल्पी को ठीक से कोई जानता नहीं है। शिल्पी का जो भी अभी चर्चाएं अभी मार्केट में है ये पूछने की विषय नहीं है, ये उनका पर्सनल मैटर है, उनका निजी जीवन है, और निजी जीवन में अच्छे लोग दखलंदाजी नहीं करते। बात करनी चाहिए कि शिल्पी क्या करती है, कैसी है। तो मैं बता रहा हूं कि शिल्पी ने जो स्ट्रगल किया है, शिल्पी ने जो मेहनत किया है, और बहुत मेहनत किया है उसने, उतना मेहनत किसी भी गायिका को मैंने करते हुए नहीं देखा है। ठंडी के मौसम में भी वो लड़की चली आती थी, उतना 8-9 किलोमीटर ठंडी के मौसम में भी, उसके भी एक गुरुजी थे बेचारे, साइकिल पर लेके आते थे उसको। उस समय वो स्थिति नहीं थी, उसकी पढ़ाई कर रही थी, तो उस समय आती थी बेचारी। तो नागेंद्र उजाला जी का एक टीम है जिसमें उसने एंट्री किया था, तो वो आई थी वहां। तो सबसे पहले हम लोगों ने उसको, वैसे वो उस समय भी वो बहुत अच्छा गाती थी नो डाउट, लेकिन उस समय क्या था कि अभी बहुत ज्यादा खुली नहीं थी मार्केट में या मंच से बहुत ज्यादा नहीं थी। धीरे 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 उसने अपना स्थान बनाया मेहनत के बदौलत, और यहां तक आप देख रहे हैं कि सुपरस्टार की कुर्सी पर बैठी हुई है। और मुझे नहीं लग रहा है कि अभी एक दशक तक उसको पीछे करने की कोई भी कोशिश कर ले वो नहीं उतरने वाली। लेकिन कहीं ना कहीं अभी एक न्यूज चल रहा है, पहले तो 2 साल पहले चला था काफी, विवेक पटेल और शिल्पी का, जो कि 2 साल बाद आज उभरा है महिला विकास में, मंच में आते हैं और महिला विकास मंच के लोग न्याय दिलवाने के लिए खड़े होते हैं। आप बोलते हैं कि वो आके बताते हैं विवेक पटेल कि मेरे साथ धोखा हुआ, विजय चौहान मतलब शिल्पी राज को फोड़ ले गए, हमने बहुत सारा दुकान दौरी किए थे, पैसा लगाए, मेहनत किए, मतलब बहुत सारा अनेक प्रकार आप देखे होंगे, क्या सच्चाई हो सकता है? देखिए, शादियां 2 प्रकार की होती है अपने समाज में। एक तो वैदिक रीति से विवाह होती है जिसमें बारात आता है, दूल्हा दुल्हन आते हैं, सब सिंदूरदान होता है, ये होता है। एक कोर्ट मैरिज होता है, ठीक ना। तो रही बात कि हम तो नहीं जानते कि वैदिक रीति से हुई थी कि नहीं हुई थी, ये मुझे नहीं जानकारी है, क्योंकि जिस चीज की जानकारी ना हो उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, दूसरा मुद्दा कि कोर्ट मैरिज, उसका भी प्रमाण मैंने नहीं देखा है, तो मुझे समझ के परे ये होता है, सिस्टम क्या है ये समझ के परे है, इस पे किसी प्रकार की टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी, ठीक है ना। लेकिन बाबा गांव के कई बाइट है अभी भी उस टाइम में, क्या कि गांव के लोग बताते हैं कि नहीं, शिल्पी आती थी विवेक पटेल के साथ में, शादी किए थे मंदिर में, पता नहीं सारे मैटर अभी चल रहा है अभी भी कई आरोप मतलब विवेक पटेल लगा रहे हैं, तो क्या ये सही है? देखिए, वो जो बोल रहे हैं अब उनकी सच्चाई, उन दोनों के बीच की जो सच्चाई है बखूबी वही बता पाएंगे, क्योंकि क्या हुआ था कैसे, क्योंकि मैं तो बाहर से केवल सुन रहा हूं लोगों की बातों को, तो लोगों की बातों को सुन के क्या जज किया जाए। किसी न किन्हीं परिस्थितियों में जो परिस्थिति रही हो, तो ये तो आप मान के ही चलिए कि आप एक व्यक्ति पर, इतना मैं कह सकता हूं मतलब आत्मीय ज्ञान के द्वारा, कि एक आदमी पे दोषारोपण करना उचित नहीं है, ये वो भी गलत है, ऐसा नहीं है। अगर आप दोनों प्रेम से रह रहे हैं और आप कहीं ना कहीं अलग होते हैं, तो निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि आप दोनों में कोई गड़बड़ हुआ होगा, आप दोनों के तरफ से कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुआ होगा, ताकि आप अपना अपना स्थान अलग कर लिए, कहीं ना कहीं बात हुई होगी। ये नहीं कहा जा सकता कि वो अच्छे हैं वो गलत हैं, किसी के बारे में नहीं कही जा सकती है। ये हकीकत विवेक जी ही बता पाएंगे और शिल्पी जी ही बता पाएंगे कि हुआ क्या था, असल में क्या मुद्दा है, क्योंकि ये उनपे मतलब बिना जाने ऐसे ही बकबक करना उचित नहीं मुझे लग रहा है। अच्छा, पुनीता प्रिया भी लगभग शिल्पी के गांव से आती है, तो क्या आप शिल्पी राज को जानती? शिल्पी को हम जानते हैं बस। हाँ, कितने बरस से जानते? हम 6-7 साल से जानते हैं। 6-7 साल से, उस टाइम तो स्टार नहीं बनी थी? नहीं, उस टाइम नहीं। मुलाकात होता था? हाँ, प्रोग्राम में आती थी हम लोग। अच्छा, कैसे विवेक पटेल लेके आते थे, कौन लेके आता था उनको? विवेक पटेल के साथ नहीं मैं देखी हूँ। किसके साथ में देखती थी? शिल्पी को कौन लेके आता था? साथ में आती थी ना हम साथ में
शिल्पी को हम लोगों ने साथ में देखा, अकेले आ जाती थी वो लड़की, जब वो थोड़ा सा लाइट में आई लोगों ने उनको मतलब जानना, उनकी आवाज को पहचानना या ये मतलब अच्छा अच्छा लगने लगा लोगों को तो पसंद करने लगे, तो वो अकेले भी वो आती थी चूंकि किसी के साथ आती थी ये नहीं बताया जा सकता है, चूंकि हम लोग भी तो उसी फील्ड से थे तो बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखते थे, मिल गई कैसी हो उसको जानते थे तो उससे पूछ कैसी हो, ठीक हो ना, तो हाँ बस हम ठीक है। और आज भी ये मैं बोल सकता हूं कि अगर सभ्यता संस्कृति, वैसे तो हर गायिकाओं के पास अपनी सभ्यता संस्कृति है, सभी अच्छी हैं, नो डाउट, मैं पुनीता का काम देखता हूं उसके बावजूद भी मैं पूरे आपके ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि उसके जैसी गायिका, उसके जैसा सुसंस्कारी गायिका मैंने नहीं देखा शिल्पी के जैसा, क्योंकि वो ये नहीं देखती है कि वो है कहां, वो किसको प्रणाम करना है नहीं करना, आदर देना है उतने लोगों के बाद। अभी मैं फंक्शन में मिला था उससे, तो वहां पे हमारे गुरुदेव थे, मधुकर आनंद सर थे, दिनेश सर थे जो वेब म्यूजिक के मालिक हैं, उसके बाद रजनीश सर थे जो डायरेक्टर है फिल्म के, उतने लोगों के बीच में वो सबको, मुझे तो भाव नहीं देना चाहिए अगर संस्कार उसके अंदर नहीं होता, तो उसने आके सबसे पहले मुझे प्रणाम किया और लगी मेरे बारे में दो चार लाइन, तो मैंने मना किया कि नहीं बाबू ये सब जगह नहीं है, सब बात नहीं करना चाहिए, तो नहीं आपने बहुत कुछ किया है, ये किया है वो किया, तो मैं नहीं कहते फिरता हूं, ये आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं कहीं बोलता नहीं इस टाइप की बातों को, क्योंकि ये सही बात है कि शुरुआती दौर में जब वो आई थी तो हमारी जो टीम थी नागेंद्र उजाला की टीम, वहां से उसकी शुरुआत हुई, मंच करने लगी, फिर दूसरे दूसरे लोग बुलाने लगे उसके प्रतिभा को देखते हुए, और अपने मेहनत के बदौलत, कोई ये नहीं, कोई बकवास नहीं, अपने मेहनत के बदौलत, अपनी गायकी के बदौलत, और चूंकि क्यों ना अपनी गायकी की बदौलत यहां आए, वो सीख के आई है, वो संगीत से प्रभाकर है, प्रभाकर करके तब यहां तक आई है, और अभी जो है अभी इसलिए गा रही है कि वो बेहतर गाती है, और विजय चौहान जी का जो कंपोजिशन होता है बड़ा ही सुंदर होता है, बड़ा अच्छा होता है, और गवाते भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिकॉर्डिस्ट भी हैं वो, गीतकार तो हैं ही, वो गायक भी अच्छे हैं, तो उनका सहयोग मिला वो यहां तक है, बस ये दिखता है, और जिसका नाम हो जाता है उसको इधर उधर उधर उधर, मान लीजिए एक दूसरे के प्रति अगर प्रेम भी हो, मान के चलते हैं कि अगर विवेक पटेल जो बोल रहे हैं, विवेक पटेल जी का उसके साथ प्रेम ही हो, तो प्रेम हो तो प्रेम क्या मांगता है, ये तो बलिदान मांगता है, तो अगर आपने उसको आगे बढ़ाया तो आप त्याग क्यों नहीं कर देते हैं, छोड़ दीजिए ना, फिर उस मुद्दे को ही छोड़ दीजिए ना, आप अगर बोल रहे हैं चाहे हम इनको बोले कि हमने आपको आगे बढ़ाया है, तो ये ऑन कैमरा बोल रहा हूं मैंने इनको आगे बढ़ाया है, किसकी बदौलत, क्या क्या कारण था कि मैंने इनको बनाया, इसका दो कारण है, एक तो सेल्फ इनकी मेहनत, लगता है देखता हूं या सुना हूं कि बहुत अच्छा गाती हैं, इसलिए मैं इनका काम देखता हूं, मुझे लगता है कि कहीं भी खड़ा करा दूंगा तो ये फेल नहीं होंगी, और दूसरा सबसे अहम मुद्दा कि मैं इनके साथ जुड़ा हूं पैसे के लिए, ऑन कैमरा बोल रहा हूं मैं, पैसे के लिए जुड़ा हूं, चूंकि ये कमाती है तो मुझे उतना हक इन्होंने दिया है कि ये आज तक मुझसे पूछी भी नहीं है, 3 साल में कितना हजार कितना लाख रुपया आया आज तक इन्होंने पूछा नहीं, यहां तक कि कुछ खाना होता है तो मुझसे मांगती है कि भाई ये पैसा मुझे गुरुजी चाहिए मुझे दीजिए, या पैसा रखा भी है तो छूती नहीं है, पूछती है कि गुरुजी मुझे पैसा चाहिए, फिर तो ये एक विश्वास है इनका मेरे ऊपर, और मैं कितना इन पे खड़ा उतरता हूं इनके विश्वास पर, इसका जवाब तो ये दे पाएंगी, लेकिन मैं जुड़ा हूं दो चीज के लिए, एक तो गायकी अच्छी है तो मुझे लगता है कि इनके साथ रखे मेरा नाम होगा कि मैंने कुछ किया ये यहां तक पहुंच गई, और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है पैसा, तो कहीं ना कहीं अगर दोनों के बीच में प्रेम था तो केवल प्रेम ही नहीं था, एक दूसरे को लालच भी थी, कहीं ना कहीं शिल्पी को यह लगता था कि मुझे एक सफल आदमी चाहिए या मुझे कहीं तक पहुंचाने के लिए एक आदमी चाहिए, विवेक जी का भी अपना एक स्वार्थ होगा कि भाई विवेक जी कोई गायक नहीं है ना, विवेक जी राइटर नहीं है ना, विवेक जी ना फिल्म डायरेक्टर नहीं है, तो नहीं है तो उनका भी अपना स्वार्थ होगा कि ठीक है भाई ये बहुत अच्छा गाती है, जिस प्रकार मेरी भावना है कि ठीक गाती है, बहुत ऊपर जाएगी बहुत आगे जाएगी, मुझे भी पैसे का फायदा होगा जो मुझे है, तो लेकिन शादी की आते हमें दुकान दौरी सारा बेच कर लगा दिया शिल्पी राज, चलिए अच्छी बात है, वैसे ये तो कहने की बात नहीं है, सुनने की बात नहीं है, त्याग खोजता है तो त्याग करते क्यों नहीं है भाई, त्याग कर दीजिए ना फिर, अगर आपको लगता है संबंध, देखिए संबंध क्या होता है, संबंध को बचाने में दोनों का हाथ होता है, अगर आपको लगता है कि संबंध नहीं बच रहा है, आप संबंध नहीं बच रहा है या संबंध में प्रेम नहीं रहा, तो उस पर चर्चा करना ही बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए, वहां जीवन खत्म नहीं होता है, आप एनर्जेटिक हैं,
या मैं एनर्जेटिक हूं, मैं एक अभिनेता हूं, मैं रोज इनको बोलता हूं कि आप ये ना समझिएगा कि आपकी बदौलत मैं जिंदा हूं। हाँ, मेरा स्वार्थ ये जरूर है कि मैं आपके साथ काम करता हूं, लेकिन आप मुझे छोड़ देंगी ना तो मैं चिल्ला कर रोऊंगा नहीं, दुख मुझे कुछ नहीं होगा। दुख तो आपको समझ में आएगा कि मैं कितना मैनेज करता हूं, वो तो बाद में आपको समझ में आएगा कि मैं क्या करता था आपके लिए। और मैं एक अभिनेता हूं, कल छोड़ेंगी परसों फिल्म ज्वाइन कर लूंगा, मैं अभिनय करने लगूंगा, मैं गायक हूं, मैं चलाऊंगा, इनके लिए इतना कर सकता हूं, अपने लिए नहीं कर सकता। तो मैं तो पहले से बोरिया बिस्तर बांध के रखा हूं, मेरा तो अपना स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ वही है कि कमाएंगी मुझे देंगी, कल बोलेंगी हटिए निकल लेंगे। मैं यहां बैठने नहीं आया हूं, और अगर स्वार्थ है तो मैं स्वार्थ की सिद्धि कर तो रहा हूं कि मेरे स्वार्थ की सिद्धि होती है, मेरे कपड़े, मेरे बच्चे, बच्चों की पढ़ाई, मेरे घर का खर्चा, बाइक इन्होंने खरीदा मेरे नाम से खरीदा, पता नहीं इनको कौन सा विश्वास है, फिर कुछ कर रही है ये खरीदना है मेरे नाम से खरीदेंगे, क्या विश्वास है इनके अंदर, ये क्या सोचती हैं, क्यों ऐसा इनको लगता है कि मैं इनके लिए ऑथेंटिक हूं।